शाहनगर बुंदेलखंड में किसानों की समस्याओं को लेकर अनिल तिवारी ने किसानों की जन आक्रोश रैली के साथ राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजेश शाहनगर को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने किसानों के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बुंदेलखंड के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव अनिल तिवारी ने पवई विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मोर्चा संभाल कर किसानों और युवाओं के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ और किसानों की समस्याओं को लेकर हजारों साथियों के साथ पवई विधानसभा क्षेत्र के शाहनगर में आम सभा कर प्रशासन को अपनी मांगों का बखान किया। इस जंगी प्रदर्शन में हजारों की भीड़ में कार्यकर्ता और समर्थकों ने समस्याएं प्रशासन को सुनाई। शाहनगर में किसानों के साथ संघर्ष का आगाज करते हुए उन्होंने प्रशासन को यह भी कहा कि अगर किसानों से जुड़ी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो क्षेत्र का किसान और युवा आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। शाहनगर से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। जिला सबसे बुंदेलखंड का पिछड़ा जिला है और शाहनगर उसमें भी अति पिछड़े में है। हमारी मांग है कि बगल के पड़ोसी जिले कटनी से नर्मदा जी की नहर निकली है, वो नर्मदा जी का जल हमारे शाहनगर की केन नदी से जोड़ा जाए ताकि हमारे क्षेत्र का आम आवाम किसान पेयजल और खेती किसानी के तरफ से मजबूती से आगे आ सके और हमारे यहाँ की गरीबी दूर हो। दूसरा, यहाँ के आदरणीय SDM साहब अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।